ड्रामा क्वीन राखी सावंत अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है। हाल ही में राखी सावंत उमरा करने के लिए मक्का पहुंची थी। हज करने के बाद राखी सावंत मुंबई वापस आ गई है। एयरपोर्ट पर राखी का एक खास अंदाज में वेलकम हुआ है। राखी का उनके दोस्त और फैंस ने फूलों के साथ स्वागत किया। एयरपोर्ट पर राखी को देखते ही फैंस उनका नाम चिल्लाने लगे तो एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें राखी नहीं फातिमा बोलो। राखी सावंत जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर आई तो एक आदमी उन्हें माला पहनाने के लिए आगे आया, लेकिन उन्होंने खुद को पीछे कर लिया और माला अपने हाथ में ले ली। उसके बाद उन्होंने एक महिला को अपने गले में हार पहना दिया। इसके बाद पेम्परित ने उनकी बात मानी और उन्हें फातिमा बुलाने लगे। एयरपोर्ट पर जब एक रिपोर्टर ने राखी से पूछा कि क्या वो डॉक्यूमेंट में अपना नाम बदलेंगी, इस पर राखी ने कहा, भगवान ने मुझे ऐसा ही बनाया है, वो मुझे वैसा ही प्यार करते हैं जैसी मैं हूँ। वो नहीं चाहते है कि मैं डॉक्यूमेंट में अपना नाम बदलूं। हज करने गई राखी ने मक्का से कई वीडियो शेयर किए थे। राखी ने रोते हुए अपने कई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए थे जो काफी वायरल हुए थे। कई लोगों ने इसे पब्लिक सिटी बताया था। रिपोर्ट की माने तो राखी ने आदिल खान से शादी करने के लिए इस्लाम कबूल किया था। बाद में राखी ने आदिल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। एक महिला ने भी आदिल पर रेप के आरोप लगाए थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अब आदिल जेल से बाहर आ गए है और वो भी राखी पर कई तरह के इल्जाम लगाते हुए नजर आ रहे है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।